मालिक कुछ कहना चाहता हूँ। फजलू चाचा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जीत होने वाली है, मेरी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली है। कहो क्या कहना चाहते हो? फोन आया था। किसका? वो छोटी मालकिन का। कितनी बार कहा तुमसे, वो अब तुम्हारी मालकिन नहीं रही, उसे नाम से पुकारो, उसका नाम है जोहा जोहा जोहा, समझे? लेकिन जनाब, कोई रीजन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, उसने मुझे भरी अदालत में जलील किया, गैर जिम्मेदार बाप और जालिम शौहर साबित किया, उसके साथ सिवाय दुश्मनी के मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना तुम्हारा होना चाहिए। सुना तुमने? जी वो कह रही थी आप काशा के स्कूल ना जाया करें। क्यों नहीं जाऊंगा, वो मेरा बेटा है, मैं कल ही उसके स्कूल जाऊंगा, देखता हूँ क्या करती है वो। जी वो कह रही थी आपको हवाला भेज देगी। उसकी इतनी हिम्मत, अगर मैं अपनी असलियत पर आ गया तो उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। जनाब, जख्म ताज़ा होता है तो ठंडी हवा के झोंकों से भी तकलीफ का एहसास होता है। अभी अभी आप दोनों अलग हुए, हो सकता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। उसकी ज़िंदगी रुके हुए पानी की तरह ठहर गई है और रुका हुआ पानी कुछ देर के बाद बदबू पैदा करता है और उसमें जहरीले कीड़े पनपने लगते हैं और फिर वो गंदगी में तब्दील होता है और यही होगा जोहा के साथ। और मैं बहता हुआ पानी हूँ, न जाने कब कहाँ किस मोड़ पर किस नदी से जा मिलूं। तुम फजूल में डर रहे हो चाचा, मुझसे बात करने से डरती है, वो कांपने लगती है। देखना चाहते हो मेरा दब? हेलो, आदाब, एक मिनट होल्ड करें चाचा, आप मेरा चाय लेकर। अच्छी बात। बोलो कैसे याद आ गई हमारी? क्यों, क्या मैं फोन नहीं कर सकती? मतलब हमारी याद नहीं आई, आपने यूं ही कॉल कर दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब याद आई हमारी? हाँ। नहीं नहीं, समझ में नहीं आता, खुदा लड़कियों में इनकार की फितरत ज्यादा क्यों डाल देता है, इकरार को भी इनकार बनाकर पेश करती है। बातों में तो कोई आपसे जीत ही नहीं सकता। किसी भी फील्ड में कोई नहीं जीत सकता मोहतरमा। सच? क्यों, किसी के साथ मुकाबला करवा रही हो क्या? उसके बगैर ही मैं आपको मान गई। क्या मान गई? ओफो, अब आप छेड़ते ही रहेंगे या बात भी करेंगे? ओके, चलो बोलो। वो दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस बात के लिए? दरअसल आज अम्मी को इतने बरसों बाद इतना खुश देख रही हूँ, उसकी वजह सिर्फ आप हैं। मैं? वो कैसे? जी, अम्मी का कोई बेटा नहीं है ना, लेकिन आपने अस्पताल ले जाकर उनके लिए जो कुछ भी किया उससे वो बहुत इमोशनल हो गई और कहने लगी कि अगर आज मेरा अपना बेटा भी होता तो शायद वो सब नहीं करता जो फैजान बेटे ने किया। इंसान चाहे तो सारी दुनिया उसकी हो सकती है और ना चाहे तो अपने भी गैर बन जाते हैं। मैं तो सिर्फ रिश्ते बनाता हूँ बस, मैं सबका हूँ लेकिन मेरा ही कोई नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं हूँ ना? मत कहो ऐसा वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और यहाँ मुझे अस्पताल पहुँचाने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, क्या घर में कोई नौकर नहीं है? है ना, एक फजलू चाचा है। लो वो आप भी गए, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। आपने फ़ोन क्यों काटा? मैं तो बस चाय दे के जा ही रहा था। ये चक्कर तुम नहीं समझोगे चाचा, अगर किसी से ज़्यादा बात करनी है तो उससे पहले कम बात करो, उसे तड़पाओ, एहसास दिलाओ, अपनी अहमियत जताओ, कुछ समझे? तुम नहीं समझ सकते क्योंकि ये सब समझने की उम्र गुजर चुकी है आपकी।
इसे वापस ले जाओ, आज कुछ और पीने का दिल कर रहा है। लेकिन आपने तो छोड़ दी थी। समझ लो फिर पकड़ ली। मैं गम गलत करने के लिए नहीं पीता, सेलिब्रेट करने के लिए पीता हूँ। जो लोग गम गलत करने के लिए पीते हैं वो बुजदिल हैं, और मैं फजलू चाचा, मैं बुजदिल नहीं, फैजान हूँ, फैजान। अपनी दुनिया का मालिक, अपनी दुनिया का खुद मुख्तार। क्या मैं इस खुशी की वजह जान सकता हूँ? मैं शादी कर रहा हूँ चाचा, शादी। वो भी एक कुंवारी लड़की के साथ। खूबसूरती में जोहा से 10 कदम आगे है। अकलमंदी की बात करें तो जोहा उसके सामने तिनका है, और तालीम का मुकाबला करें तो जोहा उसके सामने जाहिल कहलाए। फिजा नाम है उसका, फिजा। फिजा और फैजान की जोड़ी